सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट के पेपर के टाइम जब राइटिंग में लिखोगे क्वेश्चन आंसर, तो उससे पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। अभी काफी टाइम है, लाइक अभी भी 25 दिन तो हमारे हाथ में ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आई थिंक सो अब आपकी रीडिंग हो चुकी है एंड काफी कुछ पढ़ भी लिया है, बट ऐसा है कि अभी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व करोगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 25 दिन अभी तक हमारे हाथ में है एंड उसमें हम बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर ऑडिट को अगर आप रोज 2 घंटे भी देते हो तो भी आपके पास 50 आवर्स है एंड 2 घंटे से तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना ही होगा, क्योंकि मतलब ऑडिट क्या है, थोड़ा मतलब रट्टा मार करने जैसा सब्जेक्ट है। स्पेसिफिक वर्ड्स यूज जहाँ करने, मतलब हमारा ICAI एक्सपेक्ट करता वहाँ करने ही पड़ेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। एंड MCQ के अंदर कुछ भी झोल हुआ तो थियोरी स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपको पास, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक पहुँचा सके। सो थियोरी के अंदर अभी रीडिंग हो चुकी है, तो अगर आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन शुरू करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी 2 पेपर जो आपको राइटिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग में लिखोगे तो एक वो लैंग्वेज डेवलप होगी एंड राइटिंग में लिखोगे ना तो हाथ ऑटोमेटिकली आपके एग्जामिनेशन में चले कि राइटिंग प्रैक्टिस पहले होगी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि लाइक नहीं याद आए, बट लिखी हुई होगी तो चीज़ें कभी मतलब ऑटोमेटिकली आप लिख पाओगे। सो 2 पेपर आपको आई थिंक सो एमटीपी की क्वेश्चन सॉरी आरटीपी जो होती है ना, एक तो लेटेस्ट आरटीपी जो इशू हुई है वो, या एंड उसके साथ साथ या तो लास्ट ईयर की आरटीपी देख लो, जिसके तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना कवर किए हुए, वो आरटीपी आप रिटर्न में कर लेना, ताकि क्या है काफ़ी कुछ उसके अंदर आप लिख पाओगे एंड लिखा हुआ कंटेंट हमेशा पढ़े हो रीड किए हो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मतलब आपको याद रहता है। तो है तो 2 पेपर जो आपको रिटर्न में जो है प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके बाद जो है ना, अब मतलब एक सब्जेक्ट तो है ना, हमारे पास 8 सब्जेक्ट है अगर आप दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हो, तो उसके बाद एनालाइज आती है क्वेश्चंस की। तो फिर आप क्या है 3 PYQ के क्वेश्चंस अगर आप रीड कर लेते हो ना, तो भी आपको आइडिया मिल जाता है कि वो मुझे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन देखना है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो इस एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। वैसे 3 RTPs का आप रिव्यू ले लो इस तरीके से, और 3 MTP का भी मतलब एनालाइज ले लो, रिव्यू नहीं एनालाइज कर लो, तो 9 पेपर्स का एनालाइज कर दो, तो आप ऑडिट में क्यों नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। 2 तो आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी के क्वेश्चंस आप मतलब रीड कर रहे हो कि भाई वो ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, हो सके इतना तो आप मॉड्यूल में से पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने तो मतलब जो भी नोट्स बनाए एंड जो भी पढ़ा सब कुछ मॉड्यूल ही था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो था ना वो मतलब ऑडिट में उस समय आए थे 39 मार्क्स, 1 मार्क्स से रह गए। सेकेंड पेपर में तो मतलब लाइक सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैंने ऐसा किया था कि ग्रुप 2 दिया ही नहीं था, एंड थर्ड अटेम्प्ट में जब दिया तो ऑडिट में अच्छे मार्क्स मिल चुके थे, मतलब मिले हैं। एंड इसका बेसिक रीज़न यही है, एक तो ये नोट्स जो मैंने खुद ने प्रिपेयर किए, मुझे पता था कि कितना भी मतलब मैं वीडियोस देख लूँ अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं है। तो अभी वीडियोस के पीछे टाइम वेस्ट मत करो एंड एनालाइज जो है वो आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस का कर लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 1-2 रीडिंग तो आपकी हो चुकी होगी एंड अभी जो है वो आती है बात मेन प्रिपरेशन की, मतलब कि कौन से क्वेश्चंस आप जो है वो ज़्यादा अच्छे से रीड करोगे। सो आई थिंक सो मेरी टिप्स आपको कुछ हेल्प लगी होगी, एंड अगर आप ऑडिट के अंदर आपको कुछ ऑडिट के रिगार्डिंग कुछ नोट्स चाहिए चैप्टर के, वो मैंने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड ऐसी कुछ भी ऑडिट के रिलेटेड क्वेरीज हो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।